दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध के दौरान राजस्थान के घने रेगिस्तान में छोटी सी जगह लोंगेवाला के बॉर्डर पर एक डिसाइसिव बैटल हुई थी जिसने 1971 में हुए भारत पाक युद्ध का रुख बदल दिया था। 3 दिसंबर 1971 को भारत के कई एयरफील्ड्स पर अटैक करके पाकिस्तानियों ने अपनी करतूत से हिंदुस्तानी फौजियों का खून खौला दिया था और अगले दिन 4 दिसंबर 1971 को जब भारत ने इस अटैक के जवाब में पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया तब पाकिस्तान ने वेस्ट साइड से भारत की सीमा से लगे लोंगेवाला पर सरप्राइज अटैक कर दिया। उन्हें लगा था कि भारत ने ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ने में अपनी सारी शक्ति लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग वेस्टर्न फ्रंट से लोंगेवाला पर हमला करके रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा जमा लेंगे। पाकिस्तान का इरादा वेस्टर्न सेक्टर में राजस्थान के बड़े से बड़े इलाके को कब्जा करके ईस्ट पाकिस्तान में हुई नुकसान की भरपाई करना था और वॉर के बाद भारत के साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर बार्गेनिंग करना। लेकिन उन्हें कहां पता था कि थार के मैदान में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी पंजाब रेजिमेंट के साथ दुश्मनों को धूल चटाने को तैयार बैठे थे। अपने बटालियन के 120 जवानों के साथ सर पर कफन बांधे पाकिस्तान के 2 से 3 हजार फौजियों के सामने आ खड़े हुए और उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन ने फिर इधर पलट कर आने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1971 के दौरान 4 से 7 दिसंबर तक चले बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी वीरता की ऐसी मिसाल पेश करती है जिसे हमारा इतिहास हमेशा प्राउडली दोहराता रहेगा। कौन थे ये मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और क्या थी बैटल ऑफ लोंगेवाला की असली कहानी? कैसे मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार फौजियों को मार भगाया था? साल 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे सिविल वॉर अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर चुका था। पाकिस्तान की भेदभाव की पॉलिसी से परेशान होकर ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक अलग देश बनाने की मांग पर अड़े थे। एबारे संग्राम अमार मुक्ति संग्राम, एबारे संग्राम स्वाधीनता संग्राम। तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान को लगने लगा था कि ईस्ट पाकिस्तान अब उसके हाथ से निकलने वाला है। खीजी पाकिस्तानी सेना लाखों बेकसूरों पर लाठियां बरसा रही थी। उनकी गोलियों से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन मर रहे थे। लाखों महिलाओं के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के द्वारा फोर्स रेप्ड किए जा रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उठ रहे विद्रोह को दबाने में नाकाम पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी भारत पर थोप दी। पाकिस्तान हमेशा से ही खुद को होशियार और बहादुर समझने की भूल करता आया है और इसी भूल के कारण 4-4 बार वॉर्स में उसे मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने घर की कलह शांत करने के बजाय 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया था। भारत को चूंकि पाकिस्तान की हरकतों का अंदाजा पहले से था और इसीलिए इंडियन आर्मी भी इस जंग के लिए तैयार थी। जवाब में भारत को भी वॉर में एंट्री लेनी पड़ी और 4 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। दोनों देशों के बीच चल रहे इस वॉर का मेन रीजन ईस्ट पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश बन चुका है और इसी कारण से वॉर का मेन सेंटर भी ईस्ट पाकिस्तान और उसके आसपास का एरिया था। लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान ने भारत के वेस्टर्न एरिया में अटैक करने का प्लान बनाया। पाकिस्तानी सेना के इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर राजस्थान में एंटर करने के पीछे कई कारण थे। इसमें से एक था ईस्ट पाकिस्तान में कमजोर पाकिस्तानी मिलिट्री। याह्या खान पाकिस्तान के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे थे जिसमें ये कहा गया था कि द डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन द वेस्ट। पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता था कि ईस्टर्न फ्रंट पर इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इंडो पाक वॉर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसके अलावा याह्या खान इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह डिफेंड करना नामुमकिन है, इसीलिए वो वेस्टर्न पाकिस्तान बॉर्डर्स की तरफ से ज्यादा इंडियन टेरिटरी को कब्जा करना चाहते थे। उन्हें लगा कि ईस्ट पाकिस्तान में हुए नुकसान की भरपाई के लिए वो इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर में जीते हुए जमीन को लेकर भारत के साथ पोस्ट वॉर में नेगोशिएशंस करेंगे जिससे भारत को झुकना पड़ेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान ये भी सोच रहा था कि भारत ने तो अपने सारे रिसोर्सेज ईस्ट पाकिस्तान की तरफ लगा रखे हैं, ऐसे में अगर वो इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर में एंट्री करेंगे तो भारत की मिलिट्री उसमें उलझ जाएगी
और वॉर में कमजोर पड़ जाएगी। इससे पाकिस्तान आसानी के साथ वॉर जीत जाएगा। राजस्थान में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक स्मॉल बॉर्डर टाउन है लोंगेवाला। रेगिस्तान के इस पार्ट में यहाँ सिर्फ दूर दूर तक चलती हुई गर्म हवाएं दिखाई पड़ती है। रोज बनते रेत के टीलों के बीच इस सुनसान जगह पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है। लोंगेवाला चेक पोस्ट वैसे तो BSF के अंडर में ही रहता है, लेकिन जब भी देश में कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ पर आर्मी को तैनात कर दिया जाता है। ऐसे ही 1971 के वॉर में भी हुआ। पाकिस्तान से वॉर की घंटी बजते ही BSF के भैरव सिंह राठौर के कमांड में 627 BSF के जवानों के अलावा लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट के 23rd बटालियन कंपनी को तैनात कर दिए गए थे। 120 जवानों की इस बटालियन को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे थे। लोंगेवाला पोस्ट बॉर्डर की सिक्योरिटी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस इंपॉर्टेंस के पीछे का मेन रीजन था इसकी लोकेशन। रामगढ़ और साधेवाला जाने वाली सड़कों के मेन जंक्शन पर थी लोंगेवाला चेक पोस्ट, और ये भी निश्चित था अगर एक बार लोंगेवाला पर पाकिस्तानी मिलिट्री कब्जा कर लेती है तो पाकिस्तानी सेना को जैसलमेर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन इस पोस्ट के इम्पोर्टेंस के बावजूद यहां पर दुश्मन के हमले की आशंका ना के बराबर थी। 4 दिसंबर की रात को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपने 20 सैनिकों की प्लाटून के साथ बॉर्डर की पेट्रोलिंग के लिए निकले। सुनसान रात में सामने नजर तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी आवाज लेफ्टिनेंट धर्मवीर और उनके सैनिकों के कानों में सुनाई पड़ी। ध्यान से सुनने पर लगता था मानो ढेर सारे व्हीकल इंडियन बॉर्डर की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट धर्मवीर को समझते देर ना लगी कि दुश्मन जंग की तैयारी में आगे बढ़ चुका है। आनन फानन में धर्मवीर ने सीमा पार दुश्मन के कदमों की आहट की सूचना मेजर कुलदीप सिंह तक पहुंचाई। मेजर कुलदीप सिंह भली भांति जानते थे कि ये चेक पोस्ट पाकिस्तान की भारी भरकम सेना से लड़ने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी सैनिकों के आने की सूचना आर्मी हेडक्वार्टर को दी। मेजर चांदपुरी की बटालियन के पास लिमिटेड वेपन्स थे। उनकी टीम के पास 2 मीडियम मशीन गन, 2 81mm मोर्टार और 4 शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर थे। इसके अलावा उनकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बारूदी सुरंगें बिछा सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के पास लगभग 3000 जवानों वाली एक ब्रिगेड थी। 4 बटालियन से भरी हुई पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से भारत के वेस्टर्न सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकली थी। उनके पास T-59 एंड शर्मन टैंक्स की एक पूरी रेजिमेंट थी। जवानों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए मैकेनाइज्ड व्हीकल, 2 जर्मन शेफर डॉग्स भी दिए गए थे जो लैंडमाइंस को खोजने का काम करते थे। पाकिस्तान की सेना को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस पोस्ट पर 10 से 12 BSF के सैनिक हो सकते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर लोंगेवाला चेक पोस्ट तक तत्काल मदद पहुंचाने में असमर्थ था। कोहरे से भरी हुए भयानक रातें जिसमें एयरफोर्स के फाइटर जेट भी रात में उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे। सुबह होने में कम से कम 7 घंटे का समय था। वहां से मेजर कुलदीप सिंह के लिए आदेश आया कि वह लोंगेवाला पोस्ट को किसी भी तरह से हाथ से जाने ना दे और सुबह तक उसे डिफेंड करे। मेजर चांदपुरी ने पीछे हटने से बेहतर जंग के मैदान में मरने को चुना। 3000 पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ सामने सिर्फ 120 भारतीय जवानों की टोली ने काल का मंजर तैयार करने की ठान ली। 120 सिपाहियों में एक सिपाही भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी भी ये जानते थे कि इस पोस्ट से पीछे हटने का मतलब पाकिस्तानी सेना को जैसलमेर के लिए सीधा रास्ता देना था, जिसके लिए वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने अपने 120 जवानों को इकट्ठा करके कहा कि सिखों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी बताई और साथ में ये भी कहा कि जो भी यहां से जाना चाहता है वो अभी जा सकता है, वो वही डटे रहेंगे। लेकिन उनके इस मोटिवेशनल स्पीच के बाद एक भी जवान पीछे नहीं हटा और रात भर जिस तरह से इस बटालियन ने लोंगेवाला को डिफेंड किया उसे भारत का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान के 3000 सैनिक T-59 टैंक्स, शर्मन टैंक्स और हथियारों के साथ आगे बढ़ते हुए चले आ रहे थे। पाकिस्तान की सेना के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें लोंगेवाला में ब्रेकफास्ट, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करना है। लोंगेवाला बॉर्डर्स पर कोई लैंडमाइन और बाब वायर नहीं थी। वहां BSF के जवानों ने सिर्फ एक सिंगल वायर को लगा रखा था जिससे कि उनके ऊंट दूसरी तरफ ना जाए।
लेकिन इसी बाब वायर की वजह से पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि इस पोस्ट के आसपास लैंडमाइन लगा हुआ है, जिससे कि वो हमारी वॉर स्ट्रेटजीज डीकोड नहीं कर पाए। पाकिस्तानी सेना को लोंगे वाला पोस्ट के करीब आता देखकर सेना के पास प्रिपेयर्ड माइनफील्ड बिछाने का समय नहीं बचा था, इसलिए कंपनी ने जल्दबाजी में अपने पोस्ट के इर्द गिर्द एंटी टैंक लैंडमाइन बिछाना शुरू किया। लैंडमाइंस को बिछाने के दौरान एक सैनिक जख्मी होकर वही शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ 106 मिलीमीटर M40 रिकॉइल्स राइफल को हैंडल करने में हमारे एक और जवान शहीद हो गए, लेकिन तब भी हमारे जवानों का हौसला कम नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला पोस्ट के नजदीक आते ही रात के 12:30 बजे अपने टारगेट को आसान करने के लिए मीडियम रेंज आर्टिलरी गन से हमला शुरू कर दिया। इस हमले से BSF के 5 ऊंट तुरंत खत्म हो गए। पाकिस्तानी आर्मी को प्लान के अकॉर्डिंग 38 कैवलरीज और 206 इन्फेंट्री ब्रिगेड को लोंगेवाला पे कब्जा करना था, और अगर वो इस काम में अनसक्सेसफुल होते तो उन्हें बाकी के 206 इन्फेंट्री ब्रिगेड के आने का इंतजार करना था और अपना काम खत्म करना था। 22 कैवलरीज और 38 बलोच को लोंगेवाला से सीधे निकलते हुए रामगढ़ की तरफ बढ़ना था। बाकी के 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड को उनका पीछा करना था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 38 कैवलरीज के अधिकांश टैंक्स या तो खराब हो गए या रेत में फंस गए। पाकिस्तानी वॉर स्ट्रेटजीज की प्लानिंग यहाँ फेल हो गई थी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि शर्मन एंटी 59 चाइनीज टैंक्स नरम रेत पर बहुत ही धीमी गति से चलेंगे। ये टैंक्स इस तरह के स्विफ्ट ऑपरेशन को पूरा करने के लिए नहीं थे। ऐसी कंडीशन में लोंगेवाला से रामगढ़ की पक्की सड़क तक केवल 2 टैंक्स ही पहुंचे। 38 कैवलरी के स्लो प्रोग्रेस को देखकर 18 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर ने आगे की टुकड़ियों का दौरा किया और 22 कैवलरी एंड 38 बलोच को आगे बढ़कर लोंगेवाला को कब्जा करने का आदेश दिया। इसी बीच रात के 2:30 बजे तक इंडियन आर्मी के 2 जीप 106 मिलीमीटर की RCL गन्स के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान की ओर से 22 कैवलरी एंड 38 बलोच लोंगेवाला को कब्जा करने के लिए बढ़ते चले आ रहे थे, और सुबह के 4:00 बजने तक लोंगेवाला पोस्ट को पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह से घेर लिया था। ये भारतीय सैनिकों के लिए परीक्षा की घड़ी थी। दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया था और धीरे धीरे पोस्ट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। भारतीय सेना ने अपनी गोलीबारी तब तक रोके रखी जब तक कि पाकिस्तानी टैंक्स उनके सामने 30 से 15 मीटर तक नहीं पहुंच गए। पाकिस्तानी टैंक्स जैसे ही लोंगेवाला पोस्ट के करीब पहुंचे, वैसे ही जीप माउंटेड 106 मिलीमीटर RCL गन से इंडियन सोल्जर्स ने दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते पाकिस्तान के 2 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। एलिवेटेड पोजीशंस पर होने की वजह से इंडियन आर्मी को RCL गन से फायरिंग बहुत इफेक्टिव साबित हुई। इससे पाकिस्तानी टैंक्स का थिनर टॉप आर्मर पर आसानी से निशाना लग जाता था, जिसकी वजह से टैंक्स को डिस्ट्रॉय होते देर ना लगती। पाकिस्तानी टैंक्स के पीछे एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगे हुए थे। RCL गन की फायरिंग से इन टैंकों में विस्फोट होना शुरू हो गया, जिससे चारों ओर लाइट ही लाइट दिख रही थी और भारतीय सैनिकों को दुश्मन साफ दिखाई दे रहा था। दुश्मन के टैंक्स लोंगेवाला पोस्ट के पास बालू पर बहुत धीरे से चल रहे थे, जिससे भारतीय सैनिकों को उन पर अटैक करने में और आसानी हो रही थी। हमले की शुरुआत में लोंगेवाला पोस्ट को डिफेंड करने में भारतीय सैनिकों को जरूर थोड़ी सफलता मिली, लेकिन इसके बावजूद सैनिकों की संख्या में बहुत अंतर था। उन्हें पता था कि यदि दुश्मन की सेना लोंगेवाला पोस्ट तक पहुंच गई तो पोस्ट को डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन सब के बीच 22 कैवलरी एंड 38 बलोच धीरे धीरे लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन लोंगेवाला पोस्ट के काफी करीब पहुंचकर वो रुक गए। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तानी अटैक को लीड करने वाले इन्फेंट्री ब्रिगेड को पोस्ट के आसपास बार्ब्ड वायर दिखाई दी। ये वही बार्ब्ड वायर था जिसको BSF ने अपने ऊंटों के लिए लगाया था, लेकिन दुश्मन इस बात से बिल्कुल अनजान था। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि यहाँ पर एंटी टैंक लैंडमाइन बिछाई गई है। इससे बचने के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से सैपर्स लाए गए थे, जिससे माइनफील्ड्स को हटाया जा सके। वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिक लगातार और सटीक गोलीबारी कर रहे थे, जिससे पाकिस्तानी सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही लोंगेवाला पोस्ट के आसपास लैंडमाइंस होने की संभावना के कारण पाकिस्तानी सेना अटैक को रोककर पूरे 2 घंटे तक माइनफील्ड्स को ढूंढने में उलझी रही।
जिसकी वजह से लोंगेवाला पोस को डिफेंड करने में इंडियन आर्मी को काफी मदद मिल गई और इंडियन एयर फोर्स को अपनी तैयारी करने का समय मिल गया। अब जब फ्री होकर पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने के लिए तैयार थी, तब तक सुबह हो चुकी थी और अब लोंगेवाला पोस्ट पर इंडियन आर्मी का रीइंफोर्समेंट्स भी पहुंचने वाला था। पाकिस्तानी सैनिक और आगे बढ़े। जब वे 15-20 मीटर की रेंज तक आ गए, तब भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक भारतीय सैनिकों का तेज हमला देखकर पाकिस्तानी सेना कुछ देर के लिए शॉक्ड रह गई। वे समझ ही नहीं पाए कि अचानक ये सब कैसे हो गया था। जैसा उन्होंने सोचा था, बात उससे उल्टी हो गई थी। चेक पोस्ट के आसपास ऊंचे एरियाज में बैठे हुए इंडियन आर्मी के जांबाज लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलीबारी कर रहे थे। सूरज निकलने के साथ ही सुबह के 7:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स फाइटर जेट लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते हंटर्स पाकिस्तानी टैंक्स के ऊपर आसमान से रॉकेट्स की बरसात करने लगे। कुछ ही देर में पाकिस्तान की 5 टैंक्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे। इंडियन एयरफोर्स का हमला इतनी तेज था कि पाकिस्तानी सैनिकों को जहां मौका मिल रहा था, जान बचाकर भाग रहे थे। पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री तितर बितर हो चुकी थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स हमला करके वापस लौट गए, लेकिन हंटर्स के जाने के थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तानी सैनिक फिर से लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने के लिए तैयार होने लगे। उन्हें लगा कि अब इंडियन एयरफोर्स के पास रॉकेट्स की कमी हो गई, जिससे अब ये वापस नहीं आएंगे। अटैक शुरू ही हुआ था कि आसमान में फिर से हंटर्स मंडराने लगे। ये बैटलफील्ड में दूसरी इंडियन एयर स्ट्राइक थी। इस बार दुश्मन के 6 टैंक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी इन्फेंट्री ब्रिगेड पर भी अटैक किया। कुछ ही देर में हंटर्स अपने साथ जितने रॉकेट्स लाए थे बरसा कर वापस लौट रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के विमान फ्यूल और रॉकेट भरने के लिए जैसलमेर तक जाते, लेकिन पाकिस्तानी सेना समझने लगती कि अब ये वापस नहीं आएंगे। सुबह के 8 बजे तक इंडियन आर्मी के 12 इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ सदर्न कमांड के 20th लैंसर्स के एक स्क्वाड्रन अपने AMX-13 टैंक्स और कुछ रशियन T-54 टैंक्स को लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। इस इन्फेंट्री को कमांड करने वाले कोई और नहीं बल्कि कर्नल बाबा गुरबचन सिंह थे। इसके अलावा 17th बटालियन राजपुताना राइफल्स भी लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए थे। अब पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय सैनिक अपने टैंक्स को लेकर तैयार बैठे थे। सुबह के 9 बजे एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की 2 कंपनीज ने लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की तैयारी कर ही रहे थे कि पाकिस्तानी मिलिट्री ब्रिगेडियर तारिक मीर ने हमले को कैंसिल करके पाकिस्तानी सैनिकों को अलग अलग बिखर जाने का आदेश दिया। दोपहर के आसपास पाकिस्तानी सेना की 22 कैवलरीज और 38 बलोच कुछ दूर वापस गए, जहां पहले से 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड मौजूद थी। लेकिन इस दौरान भी हंटर्स ने दुश्मन पर हमला करना बंद नहीं किया। पाकिस्तानी सैनिक हंटर्स के आते ही दुबक जाते और फिर से हमले की तैयारी करने लगते। ऐसे में इंडियन हंटर्स पूरे दिन पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते रहे। कुछ ही देर बाद भारतीय सेना ने बढ़त हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सेना के ऊपर 20th लैंसर्स एंड 17th बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। 5 दिसंबर की दोपहर तक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ गया। पाकिस्तान के 36 टैंक्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे, जिसमें से 22 टैंक्स हंटर्स के अटैक से और 12 टैंक्स ग्राउंड एंटी टैंक फायर से डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे और 2 टैंक्स को कैप्चर कर लिया गया था। 100 से ज्यादा व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। 120 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे। भारी तबाही के बाद भी पाकिस्तानी हेडक्वार्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इतनी बड़ी संख्या में गए सैनिक कैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब पाकिस्तानी बटालियन को लीड कर रहे तारिक मीर को ऑर्डर दिया गया कि वह जैसलमेर और रामगढ़ जाने का प्लान कैंसिल करके पहले लोंगेवाला पोस्ट को कैप्चर कर ले। तारिक मीर ने वापस हेडक्वार्टर को बताया कि हमारी सेना लोंगेवाला तक पहुंचने के लिए भी काफी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। इसी रात पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी पंजाब की 2 और बटालियंस लोंगेवाला बैटलफील्ड पर भेजी गई। रात में ही एक बार फिर पाकिस्तान की सेना ने वॉर का प्लान तैयार कर लिया।
6 दिसंबर 1971 की सुबह 3 बजे तारिक मीर को ऑर्डर दिया गया कि वो 22 कैवलरी की स्क्वाड्रन को फायर सपोर्ट दे। लेकिन तारिक मीर मामले को समझ चुका था, उसने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी 51 ब्रिगेड की सेना को वापस ले जाने का मन बना लिया था। 6 दिसंबर को लगभग दोपहर में एक बार फिर से हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान की पूरी बटालियन को वापस लोंगेवाला से जैसलमेर की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन शाम होते होते हेडक्वार्टर को भी रियलाइज हो गया था कि इस वॉर में पाकिस्तान पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका है, इसलिए मजबूर होकर हेडक्वार्टर ने अपने लास्ट ऑर्डर में पूरी सेना को वापस बुला लिया। 7 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे करके बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बीच भी इंडियन एयरफोर्स का कहर थमा नहीं था। जहां भी पाकिस्तानी सेना या टैंकर्स दिखते, एयरफोर्स के हंटर्स अपना अटैक शुरू कर देते और इस तरह पाकिस्तान लोंगेवाला का वॉर बुरी तरह हार गया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 36 टैंक्स भारतीय सेना ने तबाह कर दिए थे, 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। दरअसल पाकिस्तान की ये हार सिर्फ उनकी मिलिट्री की हार नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की भी हार थी, जिसने ये अंदाजा लगाया था कि लोंगेवाला पोस्ट पर भारत किसी भी तरह से एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता है। इन 3 दिनों में लोंगेवाला का मैदान धधक उठा था, चारों तरफ बस धुआं दिखाई दे रहा था। भारतीय जवानों के आगे पाकिस्तानी सेना समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। बिलबिलाए पाकिस्तानी सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, ऐसा लगता था मानो वो इंडियन एयरफोर्स से अपनी जान की भीख मांग रहे हो। लोंगेवाला वॉर के दौरान जैसलमेर स्टेशन कमांडर एयर मार्शल MS बाबा बताते हैं, 1971 के इंडो पाकिस्तानी वॉर की सबसे बड़ी लड़ाई लोंगेवाला में हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी तैयारी के साथ कहीं भी अटैक नहीं किया था। लेकिन 10 गुना से ज्यादा संख्या में होने के बाद भी पाकिस्तान की सेना 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चली लड़ाई में आगे नहीं बढ़ पाई। भारत के जाबाजों ने दुश्मन को चेक पोस्ट के आगे एक कदम भी नहीं बढ़ने दिया था, उल्टा बॉर्डर के बाहर धकेल आए थे। ये सब पॉसिबल हुआ था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के बहादुरी भरी लीडरशिप से, जिनके एक फैसले से राजस्थान के जैसलमेर जैसे इलाके को खतरे से बचा लिया था। बाद में भारत सरकार द्वारा मेजर कुलदीप सिंह के इस साहसी फैसले के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। भारत के इस जीत के बाद ब्रिटेन के फील्ड मार्शल RM कार्वर ने लोंगेवाला का दौरा किया था और मेजर चांदपुरी से इस बारे में जानकारी ली थी कि आखिर कैसे 120 सैनिकों ने 3000 पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए थे। 1997 में इसी बैटल ऑफ लोंगेवाला वॉर पर बॉलीवुड की फेमस मूवी बॉर्डर आई थी, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह का रोल निभाया था।